होगी। जहाँ तक जितना अभी तक तथ्य सामने आया है, प्राथमिक प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट या अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा हुआ है। कर्मचारियों की कोई लापरवाही आपको नजर आ रही क्या? मुझे अभी तक इस तरीके का अंदेशा इसलिए नहीं है क्योंकि एक दिन पहले तक सभी काउंटिंग में बिजी थे और सुबह ये नॉर्मल ऑफिस खुलने के टाइम के समय सिर्फ 4 या 5 ही लोग थे जो भी अपने अपने कक्षों में थे। दस्तावेज भी बहुत कुछ नुकसान हुए होंगे उसमें। दस्तावेजों की अभी हम सूची बना रहे हैं, लेकिन जितने भी दस्तावेज हैं वो हमारे पास कंप्यूटर में भी सेफ है, तो कंप्यूटर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर्स में है सारे दस्तावेज सभी स्कीम्स के, तो विद इन 2-3 डेज हम रिकवर करेंगे। क्या लगता है इस आगजनी से कोई काम प्रभावित होगा? नहीं, बिल्कुल काम प्रभावित नहीं होगा। कल हमने समीक्षा भी करी अपनी रूटीन स्कीम्स की, अभी भी हम समीक्षा और ट्रेनिंग जो चल रहे हैं यथावत चल रही है, तो इससे प्रभावित नहीं होगा। ठीक, कल क्या क्या डेवलप करेंगे? अभी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, वो उसकी सूचियाँ बन रही हैं। क्या लगता है सर, प्रारंभिक जो क्या कहते हैं, क्यों जांच रिपोर्ट आ जान दीजिए ना, प्रथम सामने आ रही है आगे बिल्डिंग का जो रखा है मेंटेनेंस एक बार बना दिए उसके बाद कभी छानने नहीं आता, तो क्या इसमें कहीं मेंटेनेंस में लापरवाही सामने आ रही? ये तथ्य आपको कहां से आया सर? चर्चा ही चर्चा और विभागीय ही चर्चा होती है सर, तब आप तक के सामने आते हैं। ऐसा सर ये देखा गया है कि नहीं, आपके दृष्टि गलत है, उस पर नजर रखते हैं, बहुत मेंटेनेंस होता है। जांच वाले में फोरेंसिक जी फोरेंसिक, ये तो प्रशासनिक जांच है, वो पुलिस अलग से जांच कर रही है, वो अपने उस पर करेगी। जांच की बस से जल बना है कि उसको कितने दिन की जिम्मेदारी दी गई थी, रिपोर्ट दें, रिपोर्ट तो 4 दिन में आ जानी चाहिए। सर इस जांच में एक्सपर्ट लोग भी होंगे आपकी टीम में? नहीं, ये प्रशासनिक जांच एक अलग मुद्दा है, पुलिस अपनी अलग जांच कर रही है, पुलिस आपराधिक दृष्टि से अलग जांच कर रही है। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, अगर दोषी आएंगे तब ना। जो कल जुलसे थे या दिवस में थे, उनकी स्थिति क्या है आपसे? स्टेबल, कई तो छूट भी गए सर। चूंकि सीईओ का चैम्बर जला है और साथ साथ अगल बगल महत्वपूर्ण विभागीय दस्तावेज भी जले हैं, इस बीच में ये कार्यक्रम भागी कार्यक्रम कैसे होंगे, उनको कैसे सेटअप किया जाएगा जब तक जांच चल रही है और रेनोवेट होने के? जांच का कार्यों से कोई संबंध नहीं है, तो चालू है। इस कक्ष में जिसमें आप बैठे हैं, यहाँ से सीईओ ने काम करना शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद और भी दूसरे शासकीय कार्यालयों में उसी तरह की बिजली के उपकरण की जाँच कराई जाएगी? नगर निगम आयुक्त ने इस विषय में कुछ पहल की है और सभी जगह लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सुरक्षित रहें और आगे काम बढ़े, और इस बिंदु को भी लेके उन्होंने कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सभी जगह फायर सेफ्टी के समुचित उपाय किए जाएँ। दिशा निर्देश है, निश्चित नियम है इसके। कल की घटना के बाद कुछ और बताया तो मैं, नगर निगम इसके लिए पहल किया है और उसमें